काबिल बने तू दिन भर हमारा देख कर पिताजी मगने में हमको प्रेशर आ रहा है तुमको कर रहे ना तू चार घर दस चौचे कर रहे ना तू कर रहे कि नहीं देगा कहे ना देगा कोई जुमा है नमस्कार एचएस बिहार देख रहे हैं आप प्रिया सुना आपके साथ है। क्या आपके ऊपर भी काम का इतना प्रेशर होता है कि आप सामने वाले खड़े व्यक्ति को मारने पीटने लगते हो? क्या आप हाथापाई पे उतर जाते हो? जी हाँ, एक वीडियो हमारे पास आया है और वो बहुत ही अहम पद का वीडियो है। उस पद पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले लोग बैठते हैं, वो लोग बैठते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने की ताकत रखते हैं, लेकिन यह जो व्यक्ति हैं यह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाए और काम के प्रेशर के नाम पर सामने वाले व्यक्ति के साथ हाथापाई पर उतर गए। यह वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, इस पर कमेंट्स भी बहुत अनोखे अनोखे आए हैं, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि काम के नाम पर आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। काम का प्रेशर आपके ऊपर होता है यह हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मार पीट पर उतर जाएंगे। साथ ही साथ आपको यह बताऊं कि हर पद जो हमें दिया जाता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला पद होता है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि यह पद जो उन्हें दिया गया है वो मुखिया का पद है, वो मुखिया हैं और लाजमी सी बात है मुखिया का पद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरा होता है। उन्हें जनता की सेवा करने के लिए यह पद दिया जाता है, लेकिन क्या हो जब वो जनता पर ही मारपीट करने लगे, जनता के साथ ही मारपीट करने लगे, हाथापाई पर उतर जाए। पहले यह व्यक्ति जो है आराम से बैठे होते हैं और काम के प्रेशर का बात करते हैं। यह लड़का अपना फॉर्म उन्हें देता है और ये बोलते हैं कि हमें काम का बहुत प्रेशर है, और ऐसे कर कर के वो अचानक से चिढ़ जाते हैं, पेपर को फाड़ देते हैं, उसके बाद अपने चेयर से उठकर इस लड़के के साथ हाथापाई पर उतर जाते हैं। हालांकि लड़का भी नहीं रुकता है, वो भी उनके साथ मारपीट करता है। आगे की वीडियो जो है वहीं पर कट हो जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर मुखिया ऐसा होगा तो फिर पंचायत जो है वो कैसे सुधरेगा, वहाँ की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, जिस काम के लिए उन्हें लगाया गया है क्या वो काम पूरा हो पाएगा, गांव वालों का क्या होगा अगर मुखिया ऐसे गुस्सैल होगा। तो बात यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती आती है और साथ ही साथ सवाल खड़ा होता है व्यवस्था पर और किस तरीके के लोगों को सरकार जो है ऐसे पद दे देता है, उस पर भी खड़े होते हैं सवाल। आपको हम पहले ये वीडियो दिखा देते हैं। काबिल बने तू दिन भर हमारा देख कर पिताजी मगने में हमको प्रेशर आ रहा है तुमको कर रहे ना तू चार घर दस चौचे कर रहे ना तू कर रहे कि नहीं देगा कहे ना देगा कोई जुमा है जो बुझा दे करना जाओ ऐसा लाओ मर दूर किया के पतला कल भी ना देता अरे दाग क्या देता है ये है कल ना फिर ले हां 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 काबिल बने तू दिन भर हमारा देख कर पिताजी मगने में हमको प्रेशर आ रहा है तुमको कर रहे ना तू चार घर दस चौचे कर रहे ना तू कर रहे कि नहीं देगा कहे ना देगा कोई जुमा है जो बुझा दे करना जाओ ऐसा लाओ मर दूर किया। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत गुस्सा हो गए मुखिया जी। अब आपको मैं डिटेल बता दूं तो ये वीडियो जो है वो जहानाबाद की है और जहानाबाद के मोदनगंज पंचायत के मुखिया महेश राम जी की है। तो ये महेश राम जी मुखिया हैं वहाँ के। तो महेश राम जी से ये कहना चाहूँगी कि महेश राम जी 2021 में मुखिया चुनाव होगा, पंचायत चुनाव होगा, उसमें मुखिया चुना जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके इन एक्टिविटीज़ को देखकर जनता आपको फिर से चुनेगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। एचएस बिहार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फेसबुक पेज पर जाएँ, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।